हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कोयल और आप कोयल प्लांट्स नर्सरी के कुछ प्लांट्स को आज देख रहे हैं। यह है देसी गुड़हल। देसी गुड़हल आप देख सकते हैं कैसे लुकिंग में कैसे लगता है। ये देसी गुड़हल है और ये इसका प्लांट है, मदर प्लांट है। और आप देख सकते हैं ये नाग चंपा का मदर प्लांट है, जिससे मैंने कई प्लांट्स बनाए हैं। नाग चंपा कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। आप समर व्यू देख रहे हैं कोयल प्लांट्स का, देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है इसमें। ये सारे समर के प्लांट्स हैं, नाग चंपा हैं। और ये डबल पेट्रोलॉइड आप देख सकते हैं, डबल पेट्रोलॉइड गुड़हल है ये। इसका बहुत बड़ा फ्लावर होता है, ब्लूमिंग हो रखी है। ये वाइट सदाबहार है, उधर आप देख सकते हैं वाइट सदाबहार। थोड़ा आगे चलते हैं, ये है गवावा प्लांट है, अमरूद का प्लांट। नेक्स्ट आगे ये पर्पल हर्ट प्लांट है, और ये अगेन सदाबहार वाइट। तो ये आपके देसी रोज है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लीडिंग हार्ट है, इसमें भी वाइट फ्लावर्स आए हैं, इसमें पिंक भी निकलेंगे तो कुछ दिनों बाद में। और ये सारे प्लांट्स हैं देसी रोज के हैं, और ये प्लांट हाइब्रिड रोज का है। और ये इधर नाग चंपा की कटिंग मैंने लगाई थी जो कि सक्सेस हो गई है, देख सकते हैं आप नाग चंपा। ये रिबन ग्रास है, ये चीकू प्लांट है, और ये मैक्सिकन पिटूनिया है, ये एक्सोरा है, अब इस पर फ्लावरिंग नहीं हुई है। और ये प्लांट आप देख सकते हैं पिंक कनेर का है, जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये आप देख सकते हैं सदाबहार वाइट। और ये कोलियस के कुछ प्लांट्स हैं, ये देखिए आप, ये कोलियस की एक वैरायटी है, ये सेकंड पर्पल कलर की है। और ये जो है ये प्लांट बनाना केले का है, आप देख सकते हैं केले का। और ये है 4 o'clock प्लांट, जो कि 4 बजे के करीब खिलते हैं इसमें फ्लावर्स, ये देखिए। और वो है वाइट फ्लावर्स चमेली के, सॉरी चांदनी के फ्लावर्स हैं। ये बैम्बू है, सॉरी बैम्बू नहीं है, ये बरगद है, बरगद ये बोनसाई के लिए रखा हुआ है। और ये बोगने लिया है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। और ये कोलियस की वैरायटी देख सकते हैं आप, ये अलग तरह की वैरायटी, कुल 3 तरह की वैरायटी मेरे पास कोलियस की है। वो सुख शांति प्लांट है, ये ऑरेंज प्लांट है, ये 4 o'clock अगेन, ये लिली प्लांट है, और वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं उसकी कटिंग ग्रोथ भी कितनी सक्सेसफुल हो गई है। ये कुछ कोलियस प्लांट्स मैंने तैयार किए हैं, ये देख सकते हैं कोलियस के प्लांट्स। ये जेल प्लांट है, ये जो प्लांट है ये है फाइकस स्टार फाइकस बोलते हैं इसे। और इधर चलते हैं, ये प्लांट नाग चंपा का है जो कटिंग से ग्रो किया हुआ है, और ये दूसरा नाग चंपा का प्लांट बन गया है। ये नाग चंपा है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। और ये टिकोमा है, इसमें फ्लावरिंग अभी आती गई। ये ऑरेंज टिकोमा है, और ये येलो गुड़हल है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये जो प्लांट देख रहे हैं आप, ये प्लांट है अनार का, अनार प्लांट है। ये देख सकते हैं आप मैक्सिकन पिटूनिया और लिली दोनों साथ लगे हुए हैं। ये हरशिंगार का प्लांट है, आप देख सकते हैं ये हरशिंगार का प्लांट है। ये बरगद है, बोनसाई के लिए रखा हुआ बरगद है। ये चमेली प्लांट है, ये है चमेली, रंबुरसा गया है, इसमें ब्लैक फंगस लग गई लगता है मुझे। और ये केली प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग अभी आई नहीं है, आने वाली है। ये वाइट सदाबहार, ये देसी रोज, ये पिंक सदाबहार है। और ये देख सकते हैं आप सेंट गामनी का प्लांट है, सेंट गामनी, अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये 4 o'clock है,
अगेन 4 o'clock, ये मनी प्लांट देख सकते हैं आप, और ये चंपा है। ये चंपा कटिंग ग्रो की थी मैंने, ये नया प्लांट तैयार हो गया चंपा का। ये मदर प्लांट है चंपा का, देखिए अब इसमें फ्लावरिंग नहीं है। और ये प्लांट आप देख सकते हैं, ये जेट्रोफा है, जेट्रोफा पिंक कलर का, इसमें फ्लावरिंग हो रही है अच्छी सी। ये भी समर स्पेशल प्लांट है। ये देख सकते हैं आप, पीपल है, बोनसाई के लिए रखा हुआ है, बोनसाई पेड़ होगी इसकी। ये देख सकते हैं आप पिंक कनेर है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, अब बड़ आनी शुरू हुई है, कुछ समय बाद फ्लावरिंग आई होने वाली है इसमें। और ये देख सकते हैं आप मधुमालती, ये मधुमालती प्लांट है, देखिए इसमें बर्ड्स आई हुई हैं और अब इसमें फ्लावर्स आने वाले हैं, पहले एक बार आके जा चुके हैं। ये मधुमालती क्रीपर भी है, इसको हम बेल के रूप में कहीं चढ़ा भी सकते हैं। और ये है येलो रोज़, ये पिंक रोज़ है, देसी रोज़, ये मैक्सिकन पिटूनिया, ये है, ये प्लांट सिंगोनियम है। और ये देख सकते हैं आप ये रोज़, और ये है मोगरा प्लांट, ये है तुलसी, ये पिंक सदाबहार आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रखी है इसमें। और ये जो है ये 4 o'clock प्लांट ही है, या फिर इसको दूसरा नाम ये भी है, कॉस्मोस भी है। इसमें देखिए आप कितने अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावर अब खिलने वाले हैं, एक फ्लावर अभी खिला हुआ है, कॉस्मोस भी बोलते हैं इसे। और ये देख सकते हैं आप बहुत सारे बंच में प्लांट्स तैयार किए हैं। ये है ऑक्सीजन प्लांट, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसको सेंसिटिव एरिया भी बोलते हैं, या स्नेक प्लांट भी बोलते हैं इसको। और ये जो है नाग चंपा देख सकते हैं, इसकी कटिंग ड्रॉ की थी, ये प्लांट हो गए हैं तैयार। और ये देख सकते हैं मोनेस्टेरा है, मोनेस्टेरा लीव्स, ये मोनेस्टेरा जो है ये मोनेस्टेरा उससे मिलता जुलता ही है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। और ये पर्पल हार्ट देखिए, इसमें फ्लावर्स आ रखे हैं, जो छोटे माइन्यूट फ्लावर्स हैं जो खिले नहीं हैं अभी, देखिए ये पर्पल हार्ट है। और ये अगेन सिंगोनियम, ग्रीन सिंगोनियम है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाया है आपको, और ये आप पोलिस के प्लांट देख सकते कितने अच्छी ब्लूमिंग होती है पोलिस में, पोलिस कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए आप कितने सुंदर पोलिस लगे हुए हैं। और ये है स्पाइडर प्लांट, देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं, हैंगिंग में और भी सुंदर लग सकते हैं। ये सारे प्लांट्स करीब करीब मैंने खुद के बनाए हुए हैं, प्रिपेयर किए हुए प्लांट्स हैं। आई होप आज आपको समर व्यू पसंद आया होगा गार्डन का। थैंक यू।